नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। थाने को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन थाने के वागले स्टेट में रामनगर इलाके में चार पाइप का 9,57,000 रुपया ठेकेदार द्वारा थाने महानगर पालिका से वसूला जा रहा है। ज्ञात हो कि इस मामले का खुलासा मनसे के रामनगर प्रभाग समिति के अध्यक्ष साहिल गायकवाड़ ने किया और बताया कि दिनांक 9/5/2017 में रामनगर के L1, L2 और L3 रोड के जगह पर पुल बनाया जाना था, लेकिन थाने महानगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से यह गलत काम 2021 में गलत जगह पर किया जा रहा है। सर, यहाँ पे एक्चुअली जो काम हो रहा है ना, नगर विकास खाते के कैबिनेट के हमारे जो मिनिस्टर है उनके खाते में यहाँ पे उनके जो मेंबर लोग है पालिका के अधिकारी और ठेकेदार मिला के यहाँ पे जनता के पैसे की लूट कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं उनके पास वर्क ऑर्डर भी नहीं है। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था कॉन्ट्रैक्टर ने 2017 के इस पे, तो 10 लाख रुपए का काम है और 10 लाख रुपए का काम का उन्होंने यहाँ पे दो पाइप डालने का काम लिया है, है ना। तो हमारा सवाल है प्रशासन से और स्थानिक कॉन्ट्रैक्टर से और जो नगर विकास खाते के अधिकारी है, क्या 10 लाख रुपए में दो पाइप डाला जाता है, है ना। 2017 का काम था, 2019 का काम था, 2019 का काम 2021 में आप कर रहे हो, है ना। तो एक्चुअल में जो काम था वर्क ऑर्डर में जैसा मेंशन है कि आपको यहाँ पे RCC काम करना है और कलवट बांधना है ना, आपने वो काम को बगल देते हुए उसमें ये तरीके का कोई काम नहीं होगा और उसमें खाली दो आप पाइप डाल रहे हो, है ना, और उसका 10 लाख रुपए ले रहे हो। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि पुल बनाने के नाम पर सिर्फ पाइप डाला जा रहा है जिसकी कीमत 9,57,000 रुपए है। अब आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारी और ठेकेदार अपनी जेब भर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे और जो भी अधिकारी इसमें शामिल है, जो भी ठेकेदार है, उनके ऊपर हम लोग लीगली कार्रवाई करेंगे और ये जो काम है आगे जाके इसको ये तीव्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पे भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। मनसे के यहाँ वती से, मनसे की तरफ से हम लोग इस बात का जवाबदारी लेते हैं कि लोगों की पैसे की लूट होगी नहीं, ना होने देंगे। ये खुले खुले लूट हो रही है यहाँ पे। विपिन शर्मा साहब से और पालक मंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, है ना, कि जो भी अधिकारी आपके वार्ड में, आपके चुनाव क्षेत्र में, है ना, यहाँ पे जो चोरी मारी का काम कर रहे, है ना, जो लूटपाट कर रहे, खुलेआम लूट कर रहे, तो उनके ऊपर आप उचित से उचित प्रशासकीय कार्रवाई कीजिए। दिलचस्प बात यह है कि यह इलाका कोपरी पांच पखाड़ी विधानसभा में पड़ता है जहां के पालक मंत्री हैं और पालक मंत्री के इलाके में इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो बाकी इलाकों में कितना भ्रष्टाचार होता होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल साहिल ने थाने मनपा आयुक्त से यह मांग की है कि इस मामले की जांच कर अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि थाने मनपा आयुक्त इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। नमस्कार, मी मंगेश देसाई। ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोना पासून स्वतःचा बचाव कसा करावा। कोरोना बाधित देशामधून क्षेत्रामधून आलेल्या प्रवाशांना किंवा कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीस हा आजार होण्याचा संभव आहे। त्याचप्रमाणे कोरोना बाधित व्यक्तींशी संपर्क टाळावा आणि मास्कचा अनावश्यक वापर करू नये। कोरोना आजार निदान व उपचारासाठी कस्तुरबा हॉस्पिटल मुंबई येथे विलगीकरण कक्ष, आयसोलेटेड वॉर्ड स्थापन करण्यात आला आहे। कोरोना आजारासंबंधित उपरोक्त नमूद लक्षणे आढळल्यास तात्काळ महापालिका शासकीय रुग्णालयाशी संपर्क साधावा। अधिक माहितीसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधा। राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक 0202612739394। राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक +9111239780406। जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष क्रमांक +9122253017040। ठाणे महानगरपालिका टोल फ्री क्रमांक 1800222108। टोल फ्री क्रमांक
104. सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवाही पसरवू नका. सरकारी परिपत्रकावरच विश्वास ठेवा आणि कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करा.